नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर एक बार मैं फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त मित्र और सखा जुगानी। अब बात कर लेते हैं आज के टाइम पर किसकी, कुछ क्वेरीज की, और उसके बाद में सब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि भैया हम सुपर रिच कैसे बने, ठीक है ना। आज इस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि जब जो क्वेरीज होती है उसी से सब्जेक्ट भी निकाल देते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते रह जाते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टडी सरकार से आगे है, हकीकत में स्टॉक पिक्चर बेरी जरूर है, बेरी जरूर अच्छा, लेकिन मार्केट के आगे पीछे उसका नियम है। 1977 से 2024 तक हमने बहुत खेल देखा है। कौन है भाई ये? चैतन्य पटेल जी। भाई 77 से लेकर के 24 तक आपने स्टडी किया होगा, 77 से लेकर के नहीं भाई। मेरे को तो खुद में सरकार के बारे में और इसके बारे में 2000 से जानता हूं, लेकिन मार्केट के बारे में 2008 के बाद से ही हमने जानना शुरू किया है, ठीक है ना। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर देखे, नियम वगैरह देखे, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारा भी नहीं है भाई। तो अभी चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आगे पीछे का खेल आपको है, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा आप बताते रहिएगा, ताकि अपने भी व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी थोड़ा सा जागरूक होते रहें, ठीक है। तो आपके अनुभव को हम जरूर लेना चाहेंगे और अपने आप को आभारी समझेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगली क्वेरी देखते हैं। धनंजय भैया बोल रहे हैं जो है सर, नमस्कार। नमस्कार सर, उसके बाद में ये कौन है? आकाश गोयल जी हैं। आकाश गोयल जी क्या बोल रहे हैं? सर, 7500 रुपीज की SIP के लिए 3 म्यूचुअल फंड बताइएगा, जिससे 18 साल बाद बच्चों की हायर स्टडी हो सके। मेरी एज 30 है, मैं कम से कम 50 लाख 15-18 ईयर्स बाद चाहता हूं। सर आपको एक बात बताऊं मैं, आकाश गोयल जी, आपका टारगेट आपने बहुत ही इजी टारगेट लिया है, और 50 लाख क्या तकरीबन आप इसी से ही 60-62 लाख रुपया अपना बना लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर हम 15,000 रुपए 15 महीने के लिए, 15,000 रुपए 15 साल के लिए 15% की ब्याज पर लगा देते, तो हमारा बड़े आराम से 1 करोड़ रुपया बन जाता है। आपका टाइम होराइजन 18 साल का है, 7,500 रुपए अमाउंट है। अगर आप इसमें 1 रुपया भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ना, तो भी ये 60 लाख तक आपका बड़े आराम से बन जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। 18 साल का टाइम होराइजन आपके पास है, तो बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, तो आप इस बात को मान करके चलिए कि बच्चों की एजुकेशन धीरे धीरे और ज्यादा महंगाई इंक्रीज होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूं जो आपने टारगेट लिया है, ये आपका टारगेट इजिली अचीव हो जाएगा। रही बात फंड की, फंड इसमें केवल मैं 3 ही आपको मतलब सजेस्ट करूंगा। फंड का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फंड का सिलेक्शन का और इसका तरीका जरूर बता दूंगा। एक फंड आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ले लीजिए, ठीक है। दूसरा फंड आप स्मॉल कैप कैटेगरी का ले लीजिए। तीसरा फंड आप मिड कैप कैटेगरी का ले लीजिए। आपको कहीं पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जो भी आपको फंड समझ में आता है, लेकिन फंड के सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फंड तकरीबन 5 साल का पुराना हो, और उसके बाद में उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा सा अच्छा हो। डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको कहे, 5 साल पुराना मैं क्यों बोला, 10 साल पुराना बोल सकता था, लेकिन 2013 के बाद में ही तकरीबन फंड डायरेक्ट हुए हैं, उससे पहले सारे रेगुलर होते थे, तो उसका एक्यूरेट डाटा मिल पाना बड़ा मतलब जो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ढूंढेंगे तो 2020 के टाइम पर कौन से फंड ने बेटर, जिसका गिरावट कम हुई हो, उसको बोलते हैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन। क्योंकि देखो यार, बोलते हैं ना, एक कहावत है अवधि की, ठीक है ना। अवधि में कहावत है कि, चलो इस पर आता हूं, अभी याद आ जाएगा तो आपको जो है बताऊंगा। और तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ही मस्त है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो है ना, जब आप अच्छे समय आपके चल रहे हैं ना, तो अच्छे समय क्या होता है कि अच्छे समय पर तो सारे साथ दे देते हैं, बुल रन में सारे फंड आपका जो है परफॉर्म कर जाते हैं, कोई भी फंड हो, क्योंकि सारे शेयर एनी पेनी एनडी पन्नी जो जितने भी होते हैं सब चल जाते हैं। लेकिन जब वो आता है ना
कोई और सिचुएशन आती है उस समय जो बढ़िया परफॉर्म करे या कम गिरे वो बेटर माना जाता है कि स्ट्रेटेजी आपके उस फंड मैनेजर की द बेस्ट रही है। ठीक है, कहावत मेरे को याद आ गई, उसको बता देता हूं। ठीक है ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियो चारी। आपका धीरज जो है, धैर्य आपका कितना है, आप अपने धर्म के प्रति कितने हो हैं, मित्र है आपका, जब अच्छे दिन में तो सारे साथ दे देंगे, लेकिन जब आपके बुरे दिन आते हैं ना, उस समय साथ दे रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से आपकी जो पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो अच्छे समय पर तो सब वाहवाही कर देंगे, लेकिन जब आपका दिन खराब आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ही दोषी हों। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, जब हमारे ऊपर कोई ऐसा समय आता है, उस समय जो हमारा साथ देता है ना, वही हमारा सच्चा साथी है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखी हो चारी। तो भैया हो, इसी प्रकार से फंड का भी उस पर ये फंडा लागू होता है, और मैं इसको बड़े अच्छे से मानता हूं। ठीक है ना, मैं सही बताऊं, मेरे जितने भी फंड्स थे, बस मैंने कुछ नहीं किया था, दो तीन से अपना कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद मैं रिटर्न के पीछे नहीं भागा मैं। उसके बाद में जितनी मेरी नॉलेज थी वो मैंने देखा, इनकी होल्डिंग क्या क्या है, उन होल्डिंग का यूटिलाइजेशन क्या क्या है, उनके सेक्टर्स को देखा, उनके शेयर्स को देखा, उनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन किया, और दो तीन फंड से उनका कंपेयर किया। तीन चार पैरामीटर्स हमने ले लिया, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना है, रिटर्न कितना है, उसके बाद में ये तीन चार उसमें जो करके फंड मैनेजर कौन है, ज्यादा उसमें भी नहीं पड़ा, पछड़े में नहीं पड़ा, तीन चार फंड सेलेक्ट कर लिया। भाई साहब, कोई भी गिरावट हो, कुछ भी हो, द बेस्ट हो, बने रहते हैं रिटर्न के टाइम पर रिटर्न। हाँ, ये भी है, मेरी एक्सपेक्टेशन भी जा, कई बार होते हैं कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं करते हैं, बेंचमार्क को बीट नहीं करते, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यार, कभी कभी होता है, परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, हम भी एग्जाम देते हैं, हमारे रिजल्ट नहीं उठ पाते हैं, उस दिन हो सकता है कि जो हमने हमने जो पढ़ा हो वो ना आए हो, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये तीन फंड जो है सेलेक्ट कर लेंगे और ढाई हजार रुपए का अमाउंट डाल देंगे। मेरा एक निवेदन आपसे और है, जैसे आपने बोला मेरा इतने का है, तो आपका 18 साल में इसमें 60 लाख तो बनना ही इससे अब भी जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर आप इसको 5% या 10% जैसे जैसे आपकी कमाई इंक्रीज होती है, पक्का होगी, परमात्मा चाहेगा तो होगी, तो आप उस समय अगर धीरे धीरे इसको 5% 10% के हिसाब से अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, या जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी डिप आती है, थोड़ा बहुत आप खरीदारी करते जाते हैं, तो आप 18 साल में बहुत अच्छा कार्पस, इतना कार्पस इकट्ठा, क्योंकि कंपाउंडिंग में बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है, और 10 साल के बाद में आपके इन्वेस्टमेंट पर रिस्क जो है ना वो जीरो हो जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, 5 साल के बाद में रिस्क की संभावना कम रह जाती है, मतलब आपको जब गिरावट होती है, हैवी गिरावट होगी तभी जाकर गिरावट दिखेगी, लेकिन 10 साल के बाद में ना बिल्कुल बिल्कुल एकदम से जीरो हो जाती है आपके रिस्क की संभावना, और आपकी वहां से कंपाउंडिंग बढ़िया स्टार्ट होती है। 8 सालों में आप अच्छा खासा वेल्थ बनाएंगे, लेकिन वही है कि जो 2-3 साल आ दिया इसको आप देखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि सुपर रिच बनने के लिए आपने क्या करना है। सुपर रिच बनने वाले कुछ भी नहीं किए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मौके पर चौका मारा है कि इन्होंने, जो बड़े बड़े आज के टाइम पर रिच बन करके घूम रहे हैं, इन्होंने हर्षद मेहता को जेल हो गई, कोई ये बहुत बड़े खास नहीं थे, लेकिन ये खास हो गए, क्यों, क्योंकि इनके डिसीजन सही निकल गए। मैं आपको सही बताऊं, मेरे कई जानने वाले बंगलोर में IT सेल में, उस समय IT बहुत चल रही थी, तो मित्र थे, अच्छे IT के जो है प्रोफेशनल थे, उसमें एक तो लखनऊ की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से पढ़े, और फ्री फोकट का उनका एडमिशन हो गया था। भाई हमारे टाइम पर तो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना महाभारत होता था, आज के टाइम पर तो यूनिवर्सिटियां जो है कुकुरमुत्ते जैसी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, तो उन लोगों ने अच्छा खासा चंक इसी से फंड में लगा दिया था, बोले यार कौन पछड़ा पालेगा, डाल दो। उस समय IT वालों की बड़ी तनख्वाह होती थी यार, आज के टाइम पर ये तो अपना कोविड के बाद में जब थोड़ा सा हुआ है, तो उन्होंने बाकायदे, और उनका जो नेट वगैरह वो भी होता था, अपना फ्री भी होता था, काफी सारे उनको अपना पैकेज वैकेज मिलते थे, उन्होंने बहुत टाइम से स्टार्ट कर दिया था और अच्छा खासा वेल्थ उन्होंने जो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी उनका नाम तो कोई जानता नहीं है। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, केतन फारेक होते थे, इनके पार्टनर होते थे, किसके, हसन मेहता जी के,
बाकी ये राकेश झुंझुनवाला जी, दमानी जी, राकेश शर्मा जी, ये सब जितने बड़े बड़े नाम है ना, ये इनके शेयर्स में इन्होंने पूरे पूरे गेम खेले हैं, ठीक है। और गेम खेल करके आज देखो ये कहां पहुंच गए। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं कि जब लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया है, इनको वो लगा है, अपना झटका लगा है, झटका लगने के बाद में ये मैं स्वरूप मोहंती सर का जो जो है ये है अपना मिरई के सीईओ है, उनका मैं मतलब जो है लेख और इंटरव्यू वगैरह उनका सुन रहा था, तब मेरे को ये सब मेरे वो खुले चचू खुले हैं, तो उसमें मोहंती जो है सर का भी काफी सारा नुकसान हो गया था, तो अपने जो लड़के को वो जो काफी सारी संपत्ति दे करके जाना चाहते हैं, एक्चुअली उनका एम ही यही है। तो मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर हमने समय पर इसको इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट रखा ना, स्टार्ट रखा मींस कुछ हमने चलते जाना है एसआईपी के थ्रू, कुछ हमने डिप पर थोड़ा थोड़ा लमसम करते जाना है, मेहनत में अपने कोई कमी नहीं करनी, कोर कसर नहीं छोड़नी। पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी देखो मशहूर इन्वेस्टर हैं राकेश शर्मा जी, ठीक है ना। राकेश शर्मा जी के बारे में जब उनको आप पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो उनकी एक चीज बहुत कॉमन है। एक तो वो अपने आप को, भाई देखो अब वो लोग वहां के हैं पुराने जमाने के, मैं उनकी पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। एक तो अपने आप को डिटॉक्स बहुत करते हैं, डिटॉक्स मीन्स क्या है कि जो उनकी आदतें उस समय की लग गई थी, उस आदत को हम तो मैं तो बार बार आप लोगों को यही देता हूँ कि देखो जैसे लक्ष्मी आती है तो आदतें भी कई सारी आनी शुरू हो जाती है, तो अपनी आदतों को धीरे धीरे इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करिएगा आप लोग। अगर आपको जो है सुपर रिच बनना है तो सबसे पहली बात बता दूं, आदत आपको सही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और तो उनका अगर आप ये करोगे, लेख वगैरह देखोगे, तो उसमें वो सीधे सीधे बताते हैं कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब इन द सेंस है कि आपको सोते जागते उठते बैठते इन चीजों को सोचना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि हमने फंड मैनेजर के सहारे छोड़ दिया, एसआईपी जाती जा रही, एसआईपी जाती जा रही, तो वेल्थ तो हो जाएगा, लेकिन जो आप टाइम से पहले आप चाह रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, किसी से ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। जुगाड़ी टॉक्स जैसा मंच है, वो आपको अगर एक बार आप जो है सुन लिया करोगे ना, एक बार आप सुन लिया करोगे, तो कम से कम आप क्या करोगे, अपडेटेड रहोगे, चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको दो दिन में, तीन दिन में अपडेशन मतलब मिलता रहेगा कि वर्ल्ड का सीनियो क्या है, नेशनल सीनियो क्या है, आने वाले समय में क्या है। अब जैसे कल की देखो मार्केट की राइज को देखो, कल की मार्केट की राइज से अब लोगों को लग रहा होगा अरे यार भैया तो ऐसे मतलब ऐसे बोल रहे हैं, हमारी तो रैली छूट रही, मैं तो पैसा रख कर क्यों कर रहा हूं। भाई देखो जिनके पास पैसा ज्यादा है और जो कि उस रैली से छूट गए, जो जनवरी से लेकर के मई तक की रैली थी, दिसंबर के बाद से, दिसंबर में आपकी निफ्टी ने 1000 पॉइंट मूव किया था, 1500 पॉइंट उसमें किया था, उसके बाद में जून में जाकर के जो है आपकी निफ्टी मूव करी है। अभी देखो इसमें जो है मिड कैप और स्मॉल कैप भी हो गए, बाकी आपको वही 10-12% का रिटर्न मिला है पिछले साल के जैसे, 2023 के जैसे नहीं मिला है किसी को भी। अब जाकर के अगर इंक्रीज होगा प्री बजट रैली में, तब जाकर के बनेगी बात। तो इसमें मैंने कौन सा आपको कुछ भी क्या गलत बताया था भाई। अब रही बात, जब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यार बजट का हम इंतजार करेंगे, जैसे हमने उसी दिन 22-23 मई को बोल दिया था अब हम नहीं करेंगे, जो भी करना होगा हम 4 जून को करेंगे, 4 जून के बाद करेंगे, 4 जून का मौका मिला, यस। उस दिन तो हमने काल दे दिया था भाई, 4 और 5 जून को ठोक दो जितना ठोकना है, जिनको 4 को मौका नहीं मिला 5 को ठोक दो। अब 4 वाले बेचारे लोगों को लगा होगा अरे यार इन्होंने तो खुद का, भाई खुद का मेरा एएमसी में था तो जो है मेरे को मिल गया, 5 को भी मैंने किया है, ऐसा नहीं है 5 को भी निवेश किया है छोटा सा अमाउंट। तो अब वो बेचारे जिनको 4 को ही उन्होंने इन्वेस्ट किया लेकिन उनको 5 की नहीं भी मिली, तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार के मौके को आपको अगर मिलता है तो आपके पास जब रहेगा कुछ अंक, तभी तो आप उस दिन करोगे, तैयारी करोगे। अब आप बताओ, अभी मैं आज के टाइम पर बोल रहा था, अपना ही आईटी का मैं वो देख रहा था, फंड का मैं रिव्यू कर रहा था, क्योंकि मेरा जो है सेक्टोरल फंड है, मैं आप लोगों को बताया हुआ है। अब उसका मैं ये जो है सुपर रिच बनने की बात है, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, इसको बहुत तरीके से लीजिएगा, ये लाइट बातें कह करके बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं आपको मैं। अभी मैं आईटी वाले को अपने मैं रिफर कर रहा था, उसमें मैंने देखा 3 साल का रिटर्न और 4 साल का रिटर्न। अब जिसने उसमें 2021 में पैसा लगाया है उसका भी रिटर्न सेम है, और जिसने 2022 में लगाया है उसका रिटर्न उससे ज्यादा है। तो आप बताइए,
अब जिसने एक साल उसको लगा करके उसके बाद इंतजार, गए दोनों है वहीं पर ही, 1-2% का फर्क है दोनों का एक साल का। अब एक साल में 5-7% तो अगला आदमी वहां ले लेता जहां पर उसने उसने अपना रखा हुआ था, और वो इंतजार करता जैसे उसमें 22 वाला टिप आया था वहां पर डालता, 22 वाला जैसे वो किया था कंसोलिडेशन किया था, तो वहां से भी उसका फायदा हो जाता, यहां से भी उसका फायदा हो जाता। लेकिन नहीं, सब्र है नहीं, पैसा मेरे से खर्च हो जाएगा। मेन बात यही है कि पैसा मेरे से खर्च हो जाएगा, या मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, या मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अब इसी सब आदतों की वजह से तो एग्जिट लोड लगाया है एमसीओ ने आप लोगों के ऊपर। तो थोड़ा सा क्या है कि अपने पेशेंस पर, यही बात मैं बार बार बोलता हूं कि अपना ध्यान कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान 2-3 चीजों पर आप कर सकते हैं, पूजा पाठ पर लगा सकते हैं, स्टडी पर लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स पर लगा सकते हैं, घूमने फिरने पर लगा सकते हैं, अपने काम पर लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर अगर आप अपना ध्यान लगाएंगे तब जाकर के आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। और ये रोज रोज पोर्टफोलियो की एनएबी, जब आपको बता दिया, आप जितना अपने पोर्टफोलियो की एनएबी में और उसमें टाइम वेस्ट करते हो ना, शुरू शुरू का इन्वेस्टर, मैं भी करता था शुरू शुरू में, वो फालतू का है। आपको हफ्ते या 15 दिन में एक बार रिव्यू करना है, या कोई जब सिनरियो आता है उस समय देखना, नहीं तो 1 महीने में एक बार अपना रिव्यू करना है, शांति से पड़े रहना है। उससे ज्यादा ताकत आपको किस पे लगानी है, उससे ज्यादा ताकत आपको लगानी है बाकी चीजों को, सिनरियो को समझने में कि यह चल क्या रहा है। और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा सॉक्रेटिस का। सॉक्रेटिस इतना बड़ा दार्शनिक कैसे बना है? सॉक्रेटिस इतना बड़ा दार्शनिक इसीलिए बना है कि उसने उन चीजों को देखा है, उसने उन चीजों को देखा और समझा है जिस पर लोगों की निगाह नहीं जाती थी। बिकॉज वो कहता क्लास का सबसे कुरूप बच्चा था। अब सबसे कुरूप बच्चा था तो उसको लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तो उसका ध्यान किधर जाता था? उसका ध्यान जाता था आसपास की हो रही घटनाओं पर, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कहां जा रहे हैं, लोगों का आकलन क्या है। तो उन चीजों पर जब वो गया है तो वो जाने के बाद में तब जाकर के इतना बड़ा दार्शनिक बन पाया है। उसी प्रकार से अगर आपको सुपरिच बनना है तो आपने क्या करना है कि जितनी भी आपकी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को ओवरपावर करना है, जो चीजें आपकी समझ नहीं उसको समझना है, सीखना है। अगर आप मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको क्या सीखने हैं, मैक्स टू मैक्स वीडियोज में आपको क्या बताया जाता है, तकरीबन हर दिन में करंट सिनेरियो बताए जाते हैं, आने वाले जो फ्यूचर के बारे में बताए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बताई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं बताया जाता, क्या पर्टिकुलर आपको फंड नहीं बताया जाता है। बिकॉज यार कैटेगरी तो मैं बताता हूँ, छांटने के लिए मैं बताता हूँ, इसमें फिर क्या बुराई है। जब हमने बता दिया बुल रन में हर फंड भाई साहब परफॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखना आप एक बार सीख लो, एक चीज आपको बता रहा हूं बस। और उसके बाद में कैटेगरी में हमेशा मान करके चलो, जितना आपके पास टाइम का होराइजन है ना उसके अनुसार उस कैटेगरी को सेलेक्ट करो। देखिए मैंने आज खुद मिड कैप और स्मॉल कैप को सजेस्ट किया है भाई, एक फ्लेक्सी कैप जरूर सजेस्ट किया कि ताकि भाई को सुकून रहेगा, बेसिक रिटर्न थोड़ा सा 1-2% कम हो जाएगा, यस चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन 15% से अब भी जाएगा ना, 15% से अब जाएगा, अगले का 60 लाख तो जो बिल्कुल एकदम से प्रेडिक्शन है, अगले का बहुत ही जेन्युइन। तो इन चीजों को लेकर के अगर आप करेंगे तभी जाकर के आप जो है फिर सुपर रिच हो पाएंगे। दूसरी चीज आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं ना आज के टाइम पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, जो बहुत बड़ी कमजोरी करते हैं जो कि उनके रिच बनाने में उनकी बहुत बड़ी बाधक होती है, अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी ले लो, उसके बाद में लोन पर गाड़ी ले लो, लोन पर मकान बना लो, लोन पर प्लाट ले लो, लोन पर ये ले लो, फिर उसके बाद में जो बच कुछ गया वो आ जाओ इक्विटी में आ जाओ। फिर वो तरीका नहीं है भाई, इक्विटी कोई वो नहीं है कि आपको खींच करके दे देगी। इक्विटी एक कंपाउंडिंग का जरिया है, इक्विटी एक ग्रोथ का जरिया है, जो कि जीडीपी से ज्यादा और आपके जो इन्फ्लेशन से ज्यादा, आपके जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों को मिला करके उससे थोड़ा सा यबब आपको क्या करता है, इक्विटी आपको रिटर्न देती है। लेकिन इक्विटी का जिस साल में मूड माहौल नहीं ठीक होता है, वर्ल्ड के सीनियर नहीं ठीक होते हैं, नेशनल सीनियर नहीं ठीक होते हैं, उस समय इक्विटी आपको निगेटिव रिटर्न भी देती है, गिरावट भी उसमें आती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, गिरावट से डर जाते हैं। इसमें गिरावट में हमने सबसे बड़ी चीज क्या, गिरावट के लिए हमने निवेश के लिए तैयार रहना है, जब भी हमें निकलना है तो अपर साइड में निकलना है,
बात मेरी समझ गए। जब आपके सर से नीचे पानी हो तो आपको निवेश करना है, जब आपके सर से ऊपर पानी जा रहा हो तो उतना आपने काट लेना है, बस यही है। और एक समुद्र है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, समुद्र है। आप जैसे जैसे आप करते, अभी आप देखिएगा अपना पोर्टफोलियो, अब आप देखिएगा दो दिन तीन दिन अगर इस प्रकार से चल गया, आज का देखता हूँ सिंड्रोज मैंने आज के देखे नहीं है, लेकिन जैसा जाएगा दो तीन दिन में देखिएगा अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा। अब हमारे पोर्टफोलियो में क्योंकि हमारा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में सदाबहार रिटर्न दिखता है। किसी को भी चलने दो, चाहे लार्ज कैप चले, चाहे मिड कैप चले, चाहे कोई वो चले, अपना सेक्टर चले, चलता है। क्यों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों, बस दो तीन आपने सेक्टर देखने, इस फंड में ये अपना सेक्टर है, पक्का वो फंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलेगा। अब मान लिया अगर अगर बैंकिंग चल रहा है तो बैंकिंग सेक्टर तो आपको तकरीबन जो है लार्ज एंड मिड कैप में या लार्ज कैप में आपको मिलेगा। अब आईटी चल रहा है तो आईटी का अगर आपके पास एक अगर अगर सेक्टोरल है तो उसके बाद में वो हो गया थोड़ा सा, अगर थोड़ा थोड़ा चंक इसमें है तो वो चल रहा है, वहां से भी बूस्ट होगा। लार्ज कैप मिड कैप चल रहा है उसका भी फंड आपके पास है। फंडों की हमने कोई अपना भरमार नहीं कर रखी है, लेकिन उसके बाद में तकरीबन एक बार चेक कर लिया यार इसका कितना परसेंटेज है, लोकेशन कितना, उसी को रख लिया है। बस बिल्कुल सिंपल सा, थोड़े से चच्छू खोलो, थोड़े से करो, आराम से सेलेक्ट कर लो, तसल्ली से इन्वेस्ट करते रहो, कुछ नहीं होता भाई। गिरावट के समय काम बैठ जाओ, राम नाम जपते रहो, अपना जो है अपना खाते पीते रहो, घर में हुल्लड़बाजी करते रहो। मैं तो अपनी अपनी माता जी के साथ जो है क्या नाम है अभी भी गाना गाता हूँ, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला। हाँ यहाँ तक तो बोल देता हूँ, हाँ माँ तुम जो है तुम डान बनी हुई हो, बहुओं के ऊपर वो ताप चलाती हो। हाँ क्यों नहीं चलाती हूँ, आओ तुम भी चलाओगी तो अम्मा भी मेरी ऐसे बोलती हैं, बस हंस करके चल देते हैं, ठीक है अम्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या, घर में आपको खुशनुमा माहौल बनाना है, परिवार में खुशनुमा माहौल बनाना है, दोस्तों में खुशनुमा माहौल बनाना है, पॉजिटिविटी लानी है और इन तरीकों के साथ इन्वेस्ट करना है। बस यही दो तीन चीजें आप जैसे ही करोगे आपको चार पांच साल में मजा आने लगेगा, दस साल जैसे हो जाएगा ना पूछो मत, ठीक है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो भी कमेंट करिएगा, और समझ में आई है तो भी कमेंट करिएगा, रिवार्ड जरूर दीजिएगा। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।